सो भाई सनरूफ खुली, आपको लाइटिंग्स का लाइटिंग लाइट अंदर कार में अच्छी आएगी। सो मैं पहले ही बता दूं, मैं पहली बार ऑटोमेटिक कार ड्राइव कर रहा हूं, तो तुम आपसे शेयर करते जाऊंगा कि कोई भी पहली बार ऑटोमेटिक कार में बैठ रहा है तो किस चीज का ध्यान रखना है। सो सबसे पहले बता दूं, अपना जो लेफ्ट लेग है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, लेफ्ट लेग मैंने बिल्कुल साइड में रख दिया है। और जो अपना राइट लेग है उसको यूज करना, सबसे पहले तो भाई ब्रेक पे पाँव रखो, अपना इलेक्ट्रिकल जो अपना पार्किंग ब्रेक है उसको ऑफ कर लिया, एंड फिर ब्रेक पे पाँव रख के आपको कार स्टार्ट करनी है। और जब ना लीवर है वो पार्किंग पे होना चाहिए। सो भाई अपनी कार स्टार्ट हो चुकी है, और अपना जो लीवर पे स्विच एक बार पास लाना भाई। सो लीवर पे जो स्विच है उसको दबा के आपको इसको जो करना है ड्राइविंग मोड पे, एज यू कैन सी यहाँ पर रेड लाइट जल रही है ड्राइविंग मोड पे। और ज़्यादा एक्साइटेड होके सबसे पहला पॉइंट रेस नहीं देना है, गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, सिर्फ ब्रेक छोड़ने पे ही एक्सेलरेशन मिलता है, गाड़ी एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलेरेटर पे बिल्कुल पाँव मत रखना, मतलब सोच रहे कि मारुति की कार चलाने याद है भाई, पहली बार फर्स्ट गियर में रेस ज़्यादा देनी पड़ती है। तो वो ऐसी गलती कोई भी प्लीज मत करना। अभी मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ सिर्फ मैंने ब्रेक कुछ भी नहीं करा है, यहाँ पे ब्रेक पे हल्का सा पाँव रख रखा है और कार अपने आप एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ से अपने जो ऑडी के जो अपना मीटर, ये आपका कंसोल है, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन को। ये कंसोल हम लेके जा रहे हैं कार मोड पे, कार पे आप कार इन्फॉर्मेशन पे गई, एयर सस्पेंशन ऑडी ड्राइव सेलेक्ट है, इसमें आपने कंफर्ट पे करके रखा है। उसके बाद ये आप यहाँ से आप आपका ये उठा सकते हैं एयर सस्पेंशन, ये आपको दिख रहा है अपर जा रहा है, बाहर से आपको बाहर से हम व्यू बता देंगे कि कार का सस्पेंशन कैसे उठ रहा है। गाड़ी खड़ी करेंगे ना तो ले लेंगे बाहर से उसका व्यू। वही कंफर्ट पे उठ रही है अभी गाड़ी, है ना? बिल्कुल। और ऑटो पे करें तो अपने आप से एडजस्ट कर लेगी, ऑटो पे अपने आप एडजस्ट कर। सो भाई सबको क्या एक एडवाइस देना चाहोगे कि ऑटो पे रखेंगे काहे पे चलाएं नॉर्मली गाड़ी? आप कंफर्ट पे ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, ऑटो पे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको कौन से मोड पे आपको कंफर्ट मिल रहा है। अच्छा अपने ऊपर है, ठीक है भाई चले आगे। बिल्कुल। सो अगेन भाई फिर से बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ी में खासकर जब तुम पावरफुल गाड़ी चला रहे हो 2000 cc से ऊपर की, तो उसमें रेस ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ पे मैं बिना एक्सेलरेट करके दे रहा हूँ, अब मैंने हल्की सी गाड़ी को जो है रेस दी है। पिकअप की बात करें तो पिकअप तो भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो अलग ही है, गाड़ी पीछे बैठने में भी मजे हैं और गाड़ी चलाने में भी मजे हैं। भाई माइलेज कितना देती है रियल टाइम में? ये अभी देख सकते हैं अपन MID पे। और अगर अपन एक्सपीरियंस की बात करें तो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस तो मेरा है मतलब 12 किलोमीटर पर लीटर डिसेंट है यार लग्जरी कार के हिसाब से, है ना? और यहाँ पे मैंने 2 speed breaker क्रॉस करे और मेरे को अभी भी मेरा पांव चला क्लच के हिसाब से। तो भाई अगर सेकेंड हैंड कार के लिए जाना चाह रहे हो और अपना कितना बजट कितना रखें? 15 में आ जाएगी, है ना? बिल्कुल 15 lakh के आसपास आपको 2011-12 के लगभग की मिल जाएगी। 11-12 के लगभग की। सो अगर लग्जरी कार के लिए जाना चाहते 15 lakh के बजट में सेकंड हैंड में जाओ तो यार वर्थ है। बिल्कुल, है ना? पॉजिटिव पॉइंट्स तो हो गए, अब थोड़े से मैं पूछना चाहूंगा इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। अगर अपन नॉर्मल कार छोड़ के लग्जरी में जा रहे हैं 15 lakh में, तो पहला तो आपका अगर अपन पहला पॉइंट देखते हैं तो पहला ड्रॉबैक आपका एवरेज, दूसरा आपका जो आप एक नई गाड़ी ले रहे हैं और आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस आता ही है। थोड़ा बहुत आपको जो भी है सर्विस वर्विस से रिलेटेड आपको कराना पड़ता ही है। बाकी अगर बात करें तो यार लग्जरी कार अधिकतर मेंटेन रहती है। बिल्कुल, सर्विस इंटरवल कितना रहता है इसका? सर्विस इंटरवल्स रहता है इसका 14,000 किलोमीटर के लगभग। 14,000 किलोमीटर के लगभग, यानी साल भर में एक बार आपकी रनिंग पे, रनिंग पे नहीं, टाइम के हिसाब से भी रहता है ना कि मतलब अगर चली 65 days साल भर में एक बार करा ही लो 365 days। बिल्कुल। और नॉर्मल सर्विस की कॉस्ट कितनी आती है इसकी? इसकी नॉर्मल सर्विस की कॉस्ट बैठती है अगर आप कंपनी में सर्विस कराते हैं तो अप्रॉक्स 13,000 के आसपास, और अगर आप
आफ्टर मार्केट जाते हैं तो 14-15,000 के आसपास। 14-15,000 नॉर्मल में, बिल्कुल। और कंपनी में? कंपनी में 30-35,000, 30-35,000 एक सर्विस की कॉस्ट। बिल्कुल। और भाई तू क्या प्रेफर करेगा लोगों को कि कहाँ करवाएं? कंपनी भी करवा सकते हैं और आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं, बट ट्रस्टेबल आफ्टर मार्केट वर्कशॉप होनी चाहिए उसके लिए। ट्रस्टेबल आफ्टर मार्केट वर्कशॉप होनी चाहिए जी, बिल्कुल, भाई जो की जो प्रीमियम करती हैं। प्रीमियम करते भाई अपन जो कार के इस बिजनेस में है तो प्री ओन्ड कार में भी भाई डील करता है और सर्विसिंग में भी आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल, क्यों भाई? वर्कशॉप भी है मेरी। तो वर्कशॉप भी अगर कोई भी देवास से देख रहा है, इंदौर से देख रहा है, इंदौर भोपाल के से? आसपास से देख रहा है, भाई मेनली भोपाल से भी देख रहा है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका अपने जो वर्कशॉप का एड्रेस चेक कर सकते हैं और भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कार खरीदना चाह रहे हो तो नई कार में अपनी क्रेटा आ जाएगी, बिल्कुल, क्रेटा आ जाएगी, सेल्टोस आ जाएगी। थोड़ा सा अगर आप बजट एक्सपांड करेंगे तो आपकी सेल्टोस आ जाएगी, हेक्टर आ जाएगी, हेक्टर भी आ जाती है ना। और अगर अपन सेडान में जाते हैं, अपन ऑडी में बैठे हैं, सेडान में जाते हैं तो वरना आ जाते हैं वरना आ आपके जाएगी 15 लाख में, सिटी आ जाएगी, बिल्कुल। और अगर आप नई कार के लिए जाते हैं तो वो वाले फीचर सारे इसमें मिल रहे हैं, सनरूफ मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा सबसे मेन फीचर जो इसमें कंफर्ट, बिल्कुल, ब्रांड कंफर्ट, वैल्यू। आपको ब्रांड वैल्यू मिलेगी, कंफर्ट आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेगा। आप अगर नॉर्मल कोई भी कार खरीदते हैं जैसे वरना हो गई, वरना फ्लूडिक हो गई, होंडा सिटी हो गई, या आप MG हेक्टर और ये सब देखते हैं, तो आपको ऑडी में एक अलग ही फील और एक्सपीरियंस। मेरे को एक हाईलाइट लगी, अगर तुम ऑडी के लिए जाओगे तो एक प्लस पॉइंट रहेगा अपना एयर सस्पेंशन, बिल्कुल, जो कि ऑडी या आप कोई भी प्रीमियम क्लास ब्रांड में जाते हो तो आपको एयर सस्पेंशन मिल जाते हैं, है ना। नॉर्मल ऑडी के साथ बेसिक से चालू हो जाते हैं भाई? बिल्कुल, बेसिक से आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं तो फिर वापस से पी पे पार्किंग पर लाके आप ऐसे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं आपका इंजन। ये स्टॉप हो गया आपका इंजन। सो भाई ध्यान रखना, अगर खड़ी कर रहे हो तो पहले उसको बटन दबा के पार्किंग पे ले जाओ और फिर उसके बाद स्टार्ट इंजन जो अपना स्टार्ट स्टॉप इंजन स्विच है उसको ऑफ कर दो। और भाई बस यही था, और कुछ शेयर करना चाहेगा?